जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति की कोई ना कोई ऐसी तमन्ना होती है, कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश होती है कि जिसको उसने काफी समय से अपने अंदर दबा के रखा होता है, और ये ऐसी इच्छाएं होती हैं कि जो पूरा होने में समय लेती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, इन इच्छाओं का कद भी बढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि ये काम हो भी पाएगा या नहीं। तो ऐसे में मैं बता दूं आपको कि जो काम इस तरह से रुक जाते हैं या नहीं बन पाते हैं, ऐसे कामों में ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के या तो पूर्वज नाराज होते हैं, उनसे नाखुश होते हैं, या उन पर श्री हरि विष्णु की उतनी कृपा उतर नहीं पाई होती है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय से कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकता है और श्री हरि विष्णु की भी कृपा पा सकता है। दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा संपूर्ण श्रद्धा के साथ, उसकी हर वो मुराद, हर वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई इसमें शंका का स्थान नहीं है। आपको करना क्या है, आपको आप इस उपाय को सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि यदि आप सारे ही काम से, दिन का जो भी आपकी दिनचर्या है उससे आप निवृत्त हो जाते हैं, इसके बाद में जब आप संपूर्ण शांति के साथ आप इस क्रिया को करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से परिपूर्ण हो पाएगी। और क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है जिसमें पानी भरते हैं, ऐसा आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। आपके घर में यदि पुराना है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के घर पर आज समय बदल गया है तो ये जो घड़े का स्थान है ये फ्रिज ने ले लिया है। तो आपको एक मिट्टी का घड़ा लाना होगा। मिट्टी का घड़े को आप लेकर के आए और धोकर स्वच्छ करके आप उसमें जल भर दें, और उसके ऊपर जो मिट्टी का बर्तन आता है उस घड़े को ढांकने के लिए, ऐसा मिट्टी का आप एक बर्तन ले लें और इसमें आप तिल का तेल भर दें और 8 बाती का दिया जलाएं, 8 दिशाओं की 8 बाती का दिया जलाएं और एक खड़ी बात का दिया बीच में रखें। अभी जो खड़ी बात का दिया है इसके नीचे आपको इलायची रखनी है। इस तरह से आप इसको तैयार करें। ये यदि आप शाम के समय कर देते हैं तो हो सकता है आते जाते ये चीज पूरी हिल जाए या कोई बच्चा इसमें हाथ डाल दे। इसलिए जब सारा ही काम आपका हो जाए, जब फुर्सत हो जाए, जब घर के बच्चे या अन्य लोग आराम में चले जाएं, सोने चले जाएं, तब आप इस क्रिया को करें, क्योंकि फिर इस तंत्र को कोई हिलाए नहीं। इस तरह से आपको इसको करना है। इसको आप रख दें और इसको आप जला दें, और आप अपने पूर्वज से और श्री हरि विष्णु से, जो सभी के पूर्वज हैं, जो परम पूर्वज हैं, उनसे प्रार्थना करें। आपके अंदर मन में जो मुराद है, आपकी जो इच्छा है, सच्चे भाव से प्रार्थना करें। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो यदि श्री हरि विष्णु चाहें और ना हो। तो आपने जो कोई भी यदि गलती कर दी है, आपने यदि आपके पूर्वज नाराज हैं, आपके वजह से नहीं किसी और के भी वजह से नाराज हैं, तो आप उसके लिए उनकी क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे, श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे, और आपके मन की जो इच्छा है वो उनके सामने प्रस्तुत करें और बताएं कि इसके पीछे आपका कोई दुष्विचार नहीं है, किसी का गलत आप करना नहीं चाहते हैं। इस तरह की भावना के साथ में आप इसको दिए को जला दें, घड़े में धो करके पानी भरते हैं,
उसके ऊपर आप मिट्टी के पात्र से उसको ढाक दे और उसमें तिल का तेल डाले। आपको आठ दिशाओं का बाती बनानी है, आठ बातियां बनानी है और एक बीच में खड़ी बाती बनानी है। इसके नीचे आपको इलायची रखनी है और श्री हरि विष्णु और अपने पूर्वजों से क्षमा मांगते हुए आपको आपके मन की मुराद, आपकी इच्छा उनके सामने व्यक्त करनी है। अब अगले दिन सवेरे आपको क्या करना है कि ये घड़ा और दिया जो है ये संपूर्ण ले जाके आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। दोस्तों, इस तंत्र से श्री हरि विष्णु और आपके पूर्वज अति प्रसन्न होंगे और आपकी जो कोई भी इच्छा है वो हाथों हाथ पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।